नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। नीलेश मुखिया हत्याकांड में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पप्पू धप्पू और गोरख राय की घर की कुर्की जब्ती की है। मंगलवार को कोर्ट से आदेश लेने के बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। काफी दिनों से इन तीनों की खोज जो है वो की जा रही थी और नीलेश मुखिया की पत्नी वार्ड सचिव सुचित्रा सिंह ने इन तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई थी, जिसके बाद से लगातार इनकी खोज जो है वो पुलिस द्वारा जारी है, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन उन्हें आत्मसमर्पण का मौका भी पुलिस द्वारा दिया गया, कोर्ट द्वारा दिया गया, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि इससे पहले जब नीलेश मुखिया को गोली मारी गई थी, उस वक्त भी सुचित्रा सिंह जो कि उनकी पत्नी है, उन्होंने आशंका जताई थी और इन तीनों का नाम लिया था और कहा था कि यही आरोपी है। और वही उनकी शिकायत के बाद लगातार पुलिस जो है वो एक्शन में आ गई थी और लगातार इन्हें खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके ना मिलने के बाद कोर्ट से यह आदेश जारी किया गया कि अब उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। नीलेश मुखिया की गोली मारकर हत्या की गई थी। अचानक से वो जा रहे थे, जिसके बाद से कुछ शूटर्स आते हैं और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों तक पटना में भी उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया था, जहां पर उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी, जिसके बाद जब उनके हालत में सुधार नहीं देखा गया तब उन्हें दिल्ली के एम्स में ले जाया गया था। और दिल्ली के एम्स में काफी दिनों तक भर्ती रहने के बाद 23 अगस्त को उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से पटना की सड़कों पर भी से इसको लेकर के उबाल जो है वो देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा लोग आक्रोशित जो है वो नज़र आए थे, वहीं काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा था। और जिस तरीके से तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे थे कि सजा आरोपियों को मिलनी चाहिए, और ऐसे में लगातार कार्रवाई करने के बाद भी जब तीनों को पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी, तब कोर्ट से उन्होंने ये आदेश लिया कि उनके घर की कुर्की जब्ती की जाए, और जिसके बाद पुलिस एक्शन लेकर के कुर्की जब्ती आज उनके घर की कर रही है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।